के बारे में भी तुम्हें शक का गुमान पैदा हो जाएगा। तो यहाँ जो इर्तदा बयान किया जा रहा है वो दो किस्म के इर्तदा है। एक इर्तदादे एतकादी और एक इर्तदादे अमली। एतकाद में भी इर्तदा हो जाएगा और अमल में भी इर्तदा पैदा हो जाएगा। कि साहब एतकाद में इर्तदाद कैसा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के असहाब और रसूलुल्लाह सल्लम के असहाब से फैज़ याफ्ता ताबईन या तबे ताबईन, उसके बाद के जो दौर के लोग हैं, क्या उनमें भी इर्तदाद एतकादी पैदा हो सकता है? आपके दिल में सवाल पैदा हो सकता है। मैं कहता हूँ कि बेशक हो सकता है और हुआ। इर्तदादे एतकादी हुआ और इसकी तशरीह अगर फरमाई तो मैं माऊद अलैहिस्सलाम ने बाद में फरमाई, अगर लोगों की समझ में नहीं आया कि हम इर्तदादे एतकाद कर रहे हैं, करते चले गए, मैं मालूम नहीं हो सका कि हम इर्तदाद मुर्तद हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह के माने क्या हो सकते हैं? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सब जानते ही है। लेकिन ये कह देना और है, इस पर बाकी रहना और है, जबान से कह देना और है, पर इस पर हर लम्हा बाकी रहना और है। और वरना हर ना वहा हुआ ही न हुआ तो वो आदमी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुशरिक। अब मैं आपसे छोटा सवाल करता हूँ, बहुत लंबा नुकता है ये, मैं समझता हूँ इस एक नुकते पर यह तखीर करूँ तो दो घंटे से कम नहीं होंगे। एक नुकते पर अगर यह तखीर करूँ तो दो घंटे से कम नहीं होंगे, पर मैं इनके बहुत आगे बढ़ना है, बात को पहुँचाना है आपके पास, तो मैं एक छोटा सा नुकता आपके सामने पेश करता हूँ। पैगंबरों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो मुवाहिद थे या मुशरिक थे, क्या कह सकते हैं आप? पैगंबर जिसको जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में महबूस फरमाया था तो सिर्फ अपनी वहदानियत की तालीम देने के लिए, वहां शिर्क का तसव्वुर पाया जा सकता है? आए थे शिर्क को मिटाने के लिए, फिर ऐसी सूरत में वहां शिर्क का तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन खुद पैगंबरों के जबान से आप सुनिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जबान से सुनिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा मा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। किसको बोल रहा है अल्लाह ताला? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और कौन इब्राहीम? अबुल अंबिया। खाली नबी नहीं है बल्कि तमाम अंबिया के बाप, उनको अल्लाह ये कहता है और वो ये कहते हैं, वो कहते हैं सही
पैगंबर ने दावा किया कि मैं वमा आना मिनल मुश्रिकीन, ये बात सही है, लेकिन जब अल्लाह ये कहता है वमा काना मिनल मुश्रिकीन, वो मुश्रिकीन में से नहीं थे, कब कहता है अल्लाह? तो मालूम ये हुआ कि बाज बाज जगह शिर्क तो नहीं था, शिर्क का शायबा भी पाया जाता था, शिर्क का शायबा भी पाया जाता था। और दूर जाने की जरूरत नहीं, बहुत सी आयतें हैं, सबको छोड़कर मैं आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मुबारक में आता हूँ। और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया और कैसे वक्त में फरमाया, अदउ इल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन, कब कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि लोगों को अल्लाह की दीदार की दावत दे रहे हैं, उस वक्त में फरमाते हैं कि मैं भी तुमको अल्लाह के बसीर, अल्लाह की तरफ बसीरत की आसाफ पर दावत दे रहा हूँ, और वो भी दावत देगा कि मेरा ताबे ताम होगा, अल्लाह की जात पाक है और मैं मुश्रिकीन में से नहीं हूँ। क्या बात है, तो मालूम यह हुआ, मुख्तसर सा जवाब आपके सामने देता हूँ, मुख्तसर सा जवाब आप इसको याद रख लीजिए कि मुशरिक कौन है। शरीयत वाले ये कहते हैं दो को मानना शिर्क है, और महदी माऊद ने फरमाया दो को देखना शिर्क है, दो को देखना शिर्क है। आम लोग मुशरिक वो हैं जो दो को मानते हैं, एक खुदा के सिवा दूसरे को भी अगर मानते हैं माऊद तो वो क्या है, शिर्क है। लेकिन तरीकत में शिर्क के माने दो को देखना, जब दो है ही नहीं तो तू दो कहां से देख रहा है, दुनिया में कौन है, कौन है, दो ही एक है। मैं तो कहता हूं दुनिया में सिर्फ एक ही है। अब हिसाब के करने वाले हैं मैथमेटिक्स के माहिरीन यहाँ मौजूद हैं, वो तो कहते हैं नहीं सब एक नहीं है, हमारे पास तो एक है, दस है, सौ है, हजार है, लाख है, दहा लाख हैं, करोड़, दह करोड़, अरब, दह अरब, ये सब हैं। यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं, अफराद कितने बैठे हुए हैं, सौ डेढ़ सौ होंगे। तो आप कहेंगे सब यहाँ बैठे हुए डेढ़ सौ हैं तो सारी कायनात में कितने होंगे, मैं कहता हूँ सारी कायनात में एक ही है, सारी कायनात में एक ही है। आप कहेंगे सब डेढ़ सौ हैं, मैं कहूँगा वो डेढ़ सौ को जरा लाकर बताओ, डेढ़ सौ को लाकर बताओ सामने, है कोई डेढ़ सौ का, डेढ़ सौ है, ये एक है, आप बता रहे ना, डेढ़ सौ है कोई, डेढ़ हजार है, एक लाख को लाकर बताओ आप भाई, ये फूल है, ये स्पीकर है, ये दीवार है, ये खंबा है, ऐसा ही एक लाख बताओ आप, कोई बता सकता है कि ये एक लाख है? फिर क्या करते हैं आप, गिनते हैं, कैसा गिनते हैं, एक हो गया, वो भी एक को लिए, वो भी एक को लिए, लोगों को जरब देते हैं, एक को जरब दिया गया तो लाख बने, वरना हकीकत में वो सब के सब एक ही हैं। तो दुनिया में वजूद एक का है, जरब देने से लाख बन रहे हैं। दुनिया में हुकूमत किसकी है, एक की है। वो कई होते तो हम भी कई होते, वो एक है, उसने एक बनाया, अब हम एक को जरब दे रहे हैं, इनको गिना कर मिलते हैं, तो हैं एक हो गया, छोड़ दिए, उसके बाद वो एक को लिए, दो कब होते हैं, एक जमा एक, तीन कब होते हैं, एक जमा एक जमा एक, तो मालूम हुआ एक की यूनिट तो बाकी है, उसको आप जरब देकर लाखों करते हुए चले जा रहे हैं, एक बाकी है। तो अल्लाह के रसूल ने जो कहा उमा अना मिनल मुश्रिकीन, मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ, मतलब ये कि मैं एक को ही देखने वाला हूँ, इसलिए कि वो एक में तू एक और तेरे दूर का जलवा भी एक, इसीलिए एक ही हो जाता है। तो मेहदी माऊद ने जो दीवार दीदार की दावत दी है वो क्यों, क्या क्या दावत दी है, एक ही दावत दी है, सबसे बड़ी दावत ये, तू अगर अपने को मिलाकर कहता है मैं हूँ तू है तो यही शिर्क है, सबसे बड़ा तौहीद यही है, तू खुद को गिरा दे उसको बाकी रख, तो खुद को हटा दे तो फिर क्या बाकी रहेगा, एक ही बाकी रहेगा, उसी को
वहीद के नाम से याद करते हैं। तो वो जो रसूलुल्लाह ने कहा वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ, मैं दो का देखने वाला नहीं हूँ, बल्कि देखता हूँ तो एक को ही देखता हूँ, और तू मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद नहीं हूँ। इसी वास्ते अल्लाह तआला ने कलमे में फरमाया ला इलाहा, इब्तिदा होती है ला से, लोग समझते नहीं, लोग इल्लल्लाह पे जोर देते हैं, तो महदी माबूद ने ला इलाहा पे जोर दिया, जोर दिया है कि पहले शुरू करो तो ला से शुरू करो तो इल्ला पर पहुंचोगे, ला कमजोर है तो इल्ला भी कमजोर हो जाएगा। और जब तुम अपनी हस्ती को अपनी खुदी को भी तुम उसका इनकार कर दोगे तो फिर ऐसी सूरत में तौहीद तुम्हारी साबित हो जाएगी। अल्लाह भी कहेगा कि हाँ तू वो है जो अपने को भी गिनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या बात रहा है। तो कहा अब जिन लोगों ने एक ला इलाहा पढ़ने के बावजूद जिन लोगों ने बहसों को देखा होगा तो क्या वहां पर तौहीद आ सकती है, वहां पर तौहीद आ सकती है। शिरकी चिंता में चल रहा था, शिरकी चिंता चल रहा था, अब उसी को अल्लाह कहता है तुमने क्या किया, इतरा नहीं हुआ तुम्हारे से, तुम मुर्तद नहीं हुए, पढ़ा तो कलमा ला इलाहा, अब क्या कर रहे हो, दूसरों को भी साबित कर रहे हो शिर्क हुआ या नहीं हुआ, इर्तेदाद हुआ या नहीं हुआ, ये मुर्तद हुआ एतिकादी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला सामने। और उसके बाद क्या क्या हुआ है हम सब जानते हैं, कितने माबूद हमारे बन गए, बज़ाहिर माबूद हमारे कितने बन गए, तमाम शायर को खुदा बना दिया, तमाम शायर को खुदा बना लिया गया। इसीलिए कहते हैं काबतुल्लाह के सामने जाकर अगर कोई कहता है कि मैं तुझे सजदा करता हूँ तो मुशरिक है, तो वो मुशरिक है। सिर्फ क़िबला सजदे का क़िबला मुंह करने के लिए काबतुल्लाह को बनाया गया है, आपको मुंह करना चाहिए काबे की तरफ, और नमाज किसकी पढ़ना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की। अगर सजदा करते वक्त में अगर काबतुल्लाह की जड़ में भी आप सजदा कर रहे हैं, सजदा करते वक्त में भी अगर आपके दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि मैं काबे को सजदा कर रहा हूँ तो आप मुशरिक करा पाएंगे। तो क्या ख्याल क्या होना चाहिए, मैं अल्लाह तआला को सजदा कर रहा हूँ, वरना किसी की हमारी नमाज ना होती, किसी की नमाज ना होती, हम तो सिर्फ उसको क्योंकि अल्लाह ने कहा तो हम उसको अपना क़िबला बना देते हैं, और हमारा असल जो एक है मुंह का क़िबला और एक है दिल का क़िबला। मुंह का क़िबला कौन है, काबतुल्लाह, और सच में पूछिए दिल का क़िबला क्या है, अल्लाह तुम्हारे बता रहा। अगर वो ना हो तो आप मुशरिक करार पाएंगे नहीं पाएंगे। तो यह था इर्तदादी। अब उसके बाद जो बात पैदा हुई बहुत सी बातें हैं, मैं तफसील नहीं जाता। अब उसके बाद का बात होती है इर्तदाद आमली, अमल के अतबार से मुसलमान मुर्तद होते हुए चले गए थे। इससे पहले एक और बात हो दो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से अकीदत के तारुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम के तारुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के तारुक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के तारुक से, क्या लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या उसके बाद खुलफाए राशिदीन के दौर को मैं छोड़ते हुए बात कर रहा हूँ, एहतरामन उस दौर को बाजू रखकर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद का जो दौर हुआ है वो एतिकाद के अतबार से भी और अमल के अतबार से भी सरतापा शिर्क था, सरतापा शिर्क था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते थे और हमारा अपने एतिकाद क्या है, और हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो एतिकाद रखने की बात कही गई है वो कुरान में अल्लाह ने बयान कर दी है। वो क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह का रसूल, इतना कह भी खामोश हो जाते हैं तो काफी था, इर्तदाद ना होता। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या क्या ख्याल किया, सबसे पहले तो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, क्या हुआ ये
क्या हुआ? कामन हो गए क्या? सुना कि हस्ती कामन हस्ती है, ऐसी होती तो अल्लाह ये क्यों फरमाता? हमारा समय तो बोला कि अल्लाह रमा, फेंकने वाला कौन था? कंकरियां फेंकने वाले कौन थे बता है दुनिया में? रसूलुल्लाह, हाथ रसूल का। और अल्लाह क्या कह रहा है? तूने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। अब रसूलुल्लाह सल्लम की शख्सियत आपके सामने आ रही है, रसूलुल्लाह का मुकाम आपके सामने आ रहा है। क्या है रसूल का मुकाम? हम आप समझ रहे हैं कि बशर फेंक रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है उसने नहीं फेंका, अल्लाह तआला ने फेंका। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लम के मुकाम में भी लोगों ने ये शिर्क को इख्तियार किया था। किसके साथ? अल्लाह के साथ नहीं, हमारे साथ शिर्क कर दिया था, हमारे जैसे ही आप। और आयत अल्लाह ही की थी, हल अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, कौन है तुम? हमारी तरह के आदमी हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो मकाम आपको देना चाहिए था वो मकाम बाकी रहा था? किसने किया ये? गैरों ने नहीं किया, गैरों ने अवतार माना और अपनों ने बशर माना, और अपनों ने बशर माना। हमारी तरह के हैं, मान ले बशर ना याकुलू वो यशरबू, ये हमारी तरह का आदमी है जो खा रहा है और पी रहा है और बाजार में चल रहा है, और बाजारों में चल रहा है। क्या हुआ है इसको? क्यों इसको इतनी इज्जत देनी चाहिए? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हुआ। बातें इतनी आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, और आप देख रहे हैं कि इर्तिदाद किस किस्म का पैदा होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को कितना गिराने की कोशिश की गई है। और आगे बढ़े तो खुदा के ताल्लुक से भी लोगों ने कह दिया, अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो क्या अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर नहीं है? है नहीं है? क्या बोलिए? लॉजिक क्या कहती है? जब अल्लाह कहता है हर चीज पर कादिर है, तो क्या झूठ बोलने पर भी कादिर है या नहीं? आप कहेंगे झूठ बोलने पर कादिर नहीं है तो आयत झूठा, आयत को आप झूठा रहे हैं। आयत तो कहती है सब कुछ कर सकता है, और आप बोले सब कुछ कर सकता है मगर झूठ नहीं बोल सकता, ये तो झूठ की बात है। आप बहुत सी चीज़ों को ला सकते हैं, अगर ये कर सकता है, नहीं कर सकता, चोरी कर सकता है, और गुलाम गुलाम बहुत कर सकता है, नहीं करता। तो फिर कुदरत कादिर कहाँ हुआ? अल्लाह हर चीज़ को कुदरत कहाँ रखता है? तो ये मंतिकी लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से किया, पहले तो अल्लाह को और किया, अब उसके बाद हमसे भी बदतर कर दिया, हमसे भी बदतर कर दिया। हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम पुरा काम नहीं करते, गलत काम, और जब अल्लाह नहीं कर सकता तो क्या होगा? तो हम बड़े हुए, हम कर सकते हैं, अल्लाह नहीं कर सकता, और जिस पे नक्स है वो हमारा खुदा बन नहीं सकता। तो इर्तिदाद हुआ, मुर्तद होते चले जा रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से कितनी बातें हैं कि जिनकी वजह से इर्तिदाद अमली हो रहा था। अब अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, तरबीत के तौर पर मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को कब भेजा दुनिया में? कब भेजा पैगंबर? सिर्फ उसी वक्त भेजा जबकि दुनिया में बुराई बढ़ गई थी, हिदायत देने वाला कोई नहीं था, पहले से जो तालीमात आई थी लोगों ने उसको बुला दिया था। अब दुनिया सिर्फ बुराई का अड्डा बनकर रह गई थी, और उनसे इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस दौर में पैगंबर को मबूस फरमाया, और पैगंबर ने आकर अल्लाह तबारक व तआला की के अहकाम को सुनाया। मेरे अल्फाज को सुनो, उस पर चलाया नहीं बल्कि अल्लाह के अहकाम को सुनाया। अल्लाह खुद कहता है
माँ आ गए कहीं धर्म रहा, तेरा काम क्या है? पहुँचा देना है, दिल में उतारना मेरा काम है, कामों पर पहुँचाना तेरा काम है। सही बात हो गई। तो अल्लाह ने जब कभी किसी पैगंबर को भेजा तो उस दौर को आप देखो तो पता चलेगा कि दुनिया में बुराई गलबा हासिल कर चुकी थी, नेकी का कोई तसव्वुर नहीं था, तो अल्लाह ने उस वक्त में भेजा। अब आयत पर आवा, मैं यस्तद्दा मिनकुम दीनिही, ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से मुर्तद हो जाए। पहले के लोग क्या हुए थे? मूसा की तालीमात से मुर्तद होकर रह गए थे, तो अल्लाह ने ईसा को भेजा। ईसा की तालीमात से लोग मुर्तद हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को भेजा। अब जब रसूल की तालीमात से लोग मुर्तद हो गए, तो अल्लाह ने क्या किया? कहा पैगंबर को भेज नहीं सकता। उस वक्त में एक एक पैगंबर की बिशारत दी थी, अब पैगंबरी खत्म हो चुकी है, पैगंबरी का दरवाजा बंद हो चुका है, मिशन उसका खत्म हो चुका। अब मैं क्या करूंगा? दुनिया तो वीरान हो गई, पैगंबर आखिरी पैगंबर की तालीमात के बावजूद दुनिया मुर्तद हो गई है, तो अब मैं क्या करूंगा? कहा अब चूंकि पैगंबरी बंद हो गई, एक को नहीं भेजूंगा, पूरी कौम को लाऊंगा, क्योंकि मेरा मिशन भी बरकरार रहे और काम भी दुनिया का चले। वरना खत्मे नबुवत के बाद आ जाता तो रसूल के खत्मे नबुवत पर हक पैदा हो सकता। इसीलिए अल्लाह ने कहा अब जब भेजूंगा मैं एक हस्ती को नहीं भेजूंगा बल्कि कौम को मिलाऊंगा। अब कौम आएगी तो कौम का रहबर भी होगा। कौम कब कहलाती है? किसी को मानने की वजह से कौम कहलाती है। मालूम हुआ कि अल्लाह कहता है कौम को लाऊंगा। आपको अंदाजा लगाना चाहिए, मैं आपको काबिल हुआ एक बात समझता हूँ, आप मामूली पैसे भी नहीं है, पैगंबरों के जानशीन भी हैं। क्यों? अल्लाह ने एक एक पैगंबर से उस दौर में जो काम दिया वो काम किससे ले रहा है? अल्लाह एक एक मेहनती से ले रहा है। तो क्या अपने आप को खाली मंडी भी समझते हैं? पैगंबरों की जानशीनी करने वाले हैं, पैगंबरों के मिशन को आगे बढ़ाने वाला हर सब मेहनती है। आप अपने आप को मामूली मंजिल में समझो, मारा खान बहुत बड़ा है। अल्लाह के सामने तुम जवाब दे हो कि मैंने ऐसे वक्त में जब कि अल्लाह के अल्लाह को अल्लाह के रसूल को मानकर इनकार करने के बाद मैंने किस शान से किस कॉन्फिडेंस के साथ भी तुमको लाया था, तुम क्या करते हो? खैर उनकी पीछे नमाज पढ़ते हो, उनके सामने झुक जाते हो, अपने तालीमात को खराब करते हो, अपने आयत के तालु से तुम कमजोरी में पड़े हुए हो, क्या है सोचते हो तुम? अरे तुम तो लीडर हो और तुम लीड करने के बजाय यू हैव बीन फॉलो यू हैव बिकम फॉलोअर्स, तुम अपने मकाम को नहीं समझ रहे। अरे लोगों को चाहिए कि तुम्हारी इत्तबा करें, इत्तबा करें, और तुम जो है तो दबने या आप बस बना रहे, क्या बात है? अपने मकाम को भूले हुए हो। अल्लाह ने किस मकाम पर तुमको लाया है? खुद अल्लाह के अल्फाज में मैं ही बोल रहा हूँ, खुद अल्लाह ताला के अल्फाज में मैं यरसा तबीन को मानती नहीं थी। इब्तदार एतकादी अगर पैदा हो जाए, तुम में इब्तदार अमली अगर पैदा हो जाए, तो मैं कौम को लाने वाला हूँ। और कैसे कौम को लाने वाला हूँ? पैगंबरों से अल्लाह ने मोहब्बत की, कौम से किसी कौम से अल्लाह ने मोहब्बत नहीं की। कौम ने पैगंबर का इख्तराफ किया, इनकार किया, मगर अल्लाह ताला किस शान से तुम्हारे पर भरोसा करते हुए किस कॉन्फिडेंस के साथ अल्लाह कह रहा है कि मैं कौम को लाने वाला हूँ। और कैसी कौम है? युहिब्बुहुम, मैं मोहब्बत की इब्तदा अपनी तरफ से करूँगा। सिर्फ पैगंबर महबूब खुदा होता है, ये पूरी कौम महबूब खुदा बनी हुई है। युहिब्बुहुम, अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, और पलट कर या हम जवाबन कहती है कि जो भी वो ना हो वो भी अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। पैगंबर से अल्लाह ने मोहब्बत की और उनको हमको वहीं से नवाजा। मेरे तुम्हारे पास हमारे पास हमने अपनी हकीकत को भुला दिया, हम अपने मकाम को पहचानने से हासिल होकर रह गए हैं, हम लोगों की तरह कामन मैन बनकर रह गए हैं, हालांकि यू आर नॉट ए कॉमन। नहीं, तुमको अल्लाह ताला ने स्पेशल तौर पर भेजा है। कैसे भेजा? उस इत्तेदार को दूर करने के लिए,
क्या कहता था? खुदा कह रहा है उसके खिलाफ था। इसहाक तो कह रहे थे कि खुदा को दुनिया में सर की आंखों से देखा नहीं जा सकता, ये खुदा था या नहीं था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में खुदा को देखा या दुनिया में रहते हुए खुदा को देखा? मेराज में गए होंगे ऊपर, हयात थे या मुर्दा थे? हयात थे। अपनी जिंदगी की हालत में आपने देखा, तो फिर उसके बाद ये कहना कि नहीं, दारे दुनिया में खुदा को देखा नहीं जा सकता, ना मुमकिन करार दे दिया। किसका इनकार कर रहे हैं? रसूलुल्लाह का इनकार कर रहे हो, मुर्तदी हो गए। अल्लाह ने कहा माँ कजबल कजबल माँ कजबल पुआ तुम्हारा, आंख ने देखा और दिल ने उसकी तस्दीक की थी, झूठा या नहीं? तो सही सच्ची बात तो यही है, देख लेना। एक बात खास बोल रहा हूँ, देखो एक खास बात बोल रहा हूँ, देख लेना आम बात है, देखने में कोई कमाल नहीं है, देखने में कोई कमाल नहीं है, जानवर भी देखता है, हम भी देखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आकर मेरे सामने खड़े हो जाए, मैं भी देख रहा हूँ, और मेरे सामने भैंस भी है वो भी देख रही है, कुछ फर्क है या नहीं है? हाँ? है, देखने में कुछ फर्क है, मगर नहीं भी है तो फिर बहुत बड़ा फर्क है। मैं देखूंगा तो क्या करूंगा, वो देखेगी तो यूं देखेगी, फिर चारा चलने लग जाएगी, बल्कि अगर उसको ताजत हो गई तो अपना काम करेगी। ये भैंस का काम है, और जब मैं देखूंगा तो क्या करूंगा, फर्क है देखने में? क्या है फर्क? यहाँ दिल है वहां दिल नहीं है, देखने के बाद तस्दीक दिल करता है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो ये दिल ने तस्दीक की तो सलाम भी हुआ, आदा भी बजा लाए, बिठाने का भी इंतजाम हुआ, चाय पानी भी हुई, और वो कुछ भी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करती, तो देखने में भी ऐसी देखिए है। इस वक्त अल्लाह ने कहा वक्त नहीं देखा, क्यों बोला या अल्लाह? देख रहे हैं तो तुम सब मुझे देख रहे हो, पर यह है कि पहचानते नहीं हो। हर कस खुदा रामी भी ना, हर शख्स खुदा को देखता है, अम्मा नबी शनासत, लेकिन पहचानता नहीं है। तो क्या हाल रसूलुल्लाह ने देखा या पहचाना? अरे पहचाना तो कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, कब कहा अल्लाह? देखा नहीं, पहचाना कि ये माबूद है, ये अल्लाह है, दिल ने कहा तो आपने कहा अत्तहियातु लिल्लाह। तो जानवर भी देख लेता है, मैं जाकर जानवर के सामने कहूँ मैं अल्लाह हूँ, आप इतना दे रही हूँ, क्या करेगा सुनकर? मुंह उठाकर और अगर कोई मैदबी जो मुझे जानता है वो देख लेगा तो क्या करेगा? तो कहाँ बचता है अतने में? तो फखर देखना कमाल नहीं, पहचानना कमाल है। ये किसने फरमाया? ये मैंने बहुत फरमाया उन मुर्तदों से जो देख कर अनजान हो गए थे, आपने फरमाया कि नहीं देख लो तो पहचानो की कोशिश करो, और मैं लाया हूँ सुरमा तस्दीक का। क्यों? माँ कजबल पा तुम्हारा, जो देखा तो नहीं, दिल ने उसका इंतजार नहीं किया था, दिल ने उसकी तस्दीक कर ली थी, दिल ने उसकी तस्दीक कर ली थी। तस्दीक करो, देखते रहो। मैंने ने सिर्फ इतना कहा तस्दीक है बंदा बिना ये खुदा, मेरी तस्दीक करो तो खुदा का दीदार तुमको नसीब हो जाएगा। तस्दीक बड़ी चीज है, तस्दीक ना हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये था इब्तिदा कि खुदा के अहम तरीन फर्ज, अहम तरीन काम अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा, तो किस काम के लिए? खाने पीने के लिए। हजारों ऐसी मखलूक थी जो खाने पीने में मजबूर थी, बीवी बच्चे करने में मजबूर थी, अल्लाह ने हमको क्यों बनाया? क्या मतलब था अल्लाह पर बता रहा? सिर्फ अल्लाह का एक ही मकसद था कि मुझे ये पहचानो, सारी मखलूक मुझे नहीं पहचानती, सब गुलाम है। क्या कहा अल्लाह ने? ये सारी मखलूक क्या है? गुलाम। और गुलाम का काम क्या होता है? हुक्म को मान लेना, हुक्म से सरता भी नहीं करना। तो अल्लाह ने सारी मखलूक बनाई, कि बड़े से बड़ा चांद सूरज,
इंसान, ये पहाड़, ये दरिया, ये आसमान, ये जमीन, सबके सब गुलाम हैं। अल्लाह तआला ने कहा गुलाम तो बहुत हैं, गुलाम तो बहुत हैं, मुझे मेरा एक चाहिए, महबूब चाहिए, मेरा एक महबूब चाहिए। आपके घर में रिश्तेदार, अजीज, गुलाम, गवंडी, बाकी सब रहते हैं, कभी आप शादी करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। हुकूमत, आपकी हुकूमत चलाने के लिए सारा बंगला आपका भरा हुआ है, फिर भी आप क्या करते हैं? शादी करते हैं। क्यों करते हैं? आप चाहते हैं कोई ऐसा हो जो मुझे चाहे नहीं, ये सारे मजदूर मुझे चाहते हैं, कोई ऐसा हो जिसे मैं चाहूं, जिसे मैं चाहूं। उसके लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मकसद यही था कि मैं तुझे इसलिए पैदा कर रहा हूँ कि मैं तुझे चाहूँ। हमने क्या आने के बाद चाहता है, तू चाहता है तो चाहे, हमारी चाह इधर है, इसे चाह रहे हैं, गुलामों को चाह रहे हैं, अल्लाह के गुलामों को चाह रहे हैं। अल्लाह ताला अफसोस करता हुआ कि इसको मैंने पैदा किया मेरे लिए और तुम जा रहे हो उनको जिनको मैं तुम्हारे गुलामी के लिए, और मैंने तुमको ताबे, तुम्हारे ताबे कर दिया, फकत मुझसे कहा कि सिर्फ मेरे ही ताबे नहीं होना बल्कि मैं जिसको पैदा कर रहा हूँ उसके भी ताबे हो जाना। ऐ जंगल, मैंने तुझे पैदा किया, मगर आदमी अगर कुरहा लेकर आए काट दे तो तेरा काम कटना है, दरिया को बांध बांध दे तो तेरा काम रुक जाना है। सारी मखलूक को खुदा ने हुक्म दिया, फकत मेरे ही नहीं, अब मेरा ये हुक्म है कि मेरे बंदा जो कहे उसे तुझे तस्लीम कर लेना चाहिए। और हमसे कहा तुझे मैं इसलिए पैदा किया हूँ कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये देखते हैं ये क्या क्या किया, अब तू मुझे देख और मेरी तस्दीक कर कि बंदा उधर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह के नेमतों को भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे कमजोर मखलूक कौन है? इंसान। और सबसे ताकतवर हस्ती कौन है? इंसान है। क्या बात है, ये अल्लाह का कितनी का कितना करम है, कितना बड़ा एहसान है। मैं भी भूल गया, अपने मकाम को भूला, अपने हैसियत को भूला, और अल्लाह तो यहाँ तक कहता है तू बोल, तो मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ, सारी दुनिया मेरी बात मान रही है और मैं तेरी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पुकारो मैं हजाम देता हूँ। क्या बात है कोई मखलूक ऐसी, किसी मखलूक को अल्लाह ने ऐसी यह बात कही थी? कितनी अल्लाह को हमसे ताल्लुक होगा जबकि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है। लोग मुर्तद हो गए, मौत की बेसत का असल मकसद क्या था? आपने कहा था कि नहीं तुम वो बन जाओ, तुम वो बन जाओ, सब लोग जो कर रहे हैं वो मत करो, मैं आया ही हूँ तुमको काम काम के लिए आया हूँ, तुमको वहाँ पहुँचाने के लिए आया हूँ, उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए आया हूँ। अल्लाह ने इर्तदा दे ज़हनी, इर्तदाद अकली, इर्तदाद अमली और इर्तदाद एतिकादी, ये सबको आपने रसूल किया। और आने का मकसद यही था, अब कहिए साहब शरीयत थी, कुरान था, इर्तदाद का सवाल ही कहाँ पैदा हो सकता है? एक सवाल हो सकता है कि इर्तदाद कहाँ, कुरान मौजूद है, कुरान मौजूद है, इर्तदाद का सवाल पैदा हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने डाकिया समझा, पोस्टमैन समझा, कि रसूल का काम जिस तरह पोस्टमैन आपके पास जाकर खत दे देता है और उसके बाद चले जाता है, हम पोस्टमैन की इज्जत नहीं करते, वो कहते हैं कि उसकी ड्यूटी ही ये है कि जो टेलीग्राम या जो खत उसके पास दिया जाता है वो लाकर हमारे एड्रेस पर पहुँचाना, ढूंढ कर ला कर पता पूछ कर पहुँचा देना, ये उसका काम है। तो वो मेहनत करके भी लाकर आपका पता एक दिन नहीं दूसरे दिन लाकर दे देता है, तो आप खत देकर बैठ जाते हैं, वो डालकर खत चले जाता है या हाथ में देता है, तो आप नहीं देते हैं, क्या उसकी इज्जत करते हैं हम?
नहीं करते। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालु से भी लोगों ने कहा कि रसूल का काम क्या है, पैगाम को पहुंचाना है। कुरान को भेजने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने अपने पैगाम को, अपने मिशन को, अपनी तालीमात को कुरान के जरिए से रसूल के कल्ब अक़दस पर डाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से निकाल कर दबाव से निकाला और लोगों तक पहुँचा दिया। बात ख़त्म हो गई, ड्यूटी ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। क्या रसूलुल्लाह की ड्यूटी ख़त्म हो गई? क्या रसूलुल्लाह को आप पैगाम सिर्फ एक पैगंबर मानते हैं? क्या रसूलुल्लाह को आप डाकिया मानते हैं? लोगों ने डाकिया माना। इर्तदाद हुआ या नहीं हुआ? इससे बड़ा इर्तदाद और क्या हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का इनकार कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि आपने पैगाम दिया था, पैगाम पहुंचाना आपका काम था, आपने हम तक पैगाम पहुंचा दिया, अब आपकी कोई ड्यूटी ना रही। क्या हम ये कह सकते हैं मुसलमानों ने यही कहा था? मुसलमानों ने यही कहा था, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ भी कह दिया था, उन लोगों के जहनों से कचरे को साफ कर दिया था और ये कहा था इन्ने उसी कुरान मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान के मानी कुरान के साथ एक और चीज भी दी गई। तो क्या चीज थी? वो क्या चीज थी जो रसूलुल्लाह को उसके साथ दी गई? वो कुरान फहमी थी, वो कुरान के असरार थे, वो कुरान का बयान था। लेकिन जब लोगों ने कुरान को पकड़ लिया और कुरान के बयान को, कुरान के असरार इलाहिया को, कुरान के मानी को, कुरान के अल्लाह की मुराद को जब लोगों ने छोड़कर अपने तरफ से तफासिर लिखने शुरू कर दिए, ये इर्तदाद हुआ या नहीं हुआ? हर शख्स ने अपने इल्म के जोर पर, अपने अकल के जोर पर, जमाने के हालात के तकाजे के तहत, बादशाहों के कहनों पर, अपने ज़ाती वफाक को सामने रखकर जब तस्वीरें लिखने लगी, लोग लिखने लगे, तो क्या हुआ? ये अल्लाह ने कहा वाह, कलाम मेरा, ताबीर तुम्हारी, कलाम मेरा और ताबीर तुम्हारी, ख्वाब मेरा और ताबीर तुम्हारी, कलाम मेरा और तस्वीर तुम्हारी। अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह ने जो कहा था उसको क्यों नहीं पकड़ते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर के एतबार से जो कुछ समझा सकते थे कहो, क्या समझा सकते थे? अल्लाह ने जो आपको समझाया उसको समझा दिया, लेकिन लोगों ने उस वक्त तकाजे कम थे, तकाजे कम थे, समझ भी उतनी ऊंची नहीं थी। उस वक्त के दौर के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को समझाना जो नहीं समझा, क्या लोगों ने जो पूछा उसको तो समझा दिया। तो क्योंकि उस वक्त दिखने का रिवाज नहीं था, काफिर से काम चला करता था। उसके बाद लोगों ने कुरान की तफसीर लिखने बैठे तो कुरान की वो तफसीर की जो अल्लाह की मुराद से हटी हुई थी, अल्लाह की मुराद से हटी हुई बातें थी। क्या बातें हटी हुई थी? मैं आपके सामने बोलता हूँ, इब्तिदा क्या है आपको समझाता हूँ। अल्लाह ने कहा या अय्युहल लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह को याद करो। तो क्या बात मालूम होती इससे? अल्लाह ताला का जिक्र क्या है? नहीं, मुस्तहब है। अल्लाह का जिक्र मुस्तहब है। इर्तदाद हुआ या नहीं हुआ? इतकादी भी हुआ, अमली भी हुआ। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो। क्या हुआ? नमाज क्या है? फर्ज। क्यों? ऑर्डर का सिला है। अकीमू, पढ़ो, कायम करो। आतु ज़का, ज़कात अदा करो। ज़कात क्या है? फर्ज। क्यों? ऑर्डर। मेरे बाप ने पूछा फ़ज़कुरुल्लाह, जिक्र करो, क्या है ये? फर्ज है, ऑर्डर है। लेकिन तस्वीरें वो आप उठा कर देखिए, तमाम तस्वीरों को उठा कर दिए सिवाय तो सब क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का जिक्र मुस्तहब है। मुस्तहब के माने करे तो भी चले, नहीं करे तो भी चले। क्या ये इत्तेदाद हुआ या नहीं हुआ? इत्तेदाद एतकादी हुआ है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनूत्तक़ुल्लाह व कूनू मअ सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अल्लाह से डरो भी हुक्म और सच्चों के साथ हो जाओ भी हुक्म। मैं आप पूरे किताबों को इस्लाम में उठा कर देखिए, लिटरेचर को सब ये कहते हैं अल्लाह से तखवा करना भी मुस्तहब है और सोबत सादिकीन करना भी मुस्तहब है।
क्या हुआ ये इर्दा वाइन भी हुआ एतिकादी भी हुआ। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने कहता हूँ, ये जो फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब मंदूब मकरूह हराम ये चीज़ें कहीं कुरान में लिखे हुए हैं कहीं हादिस में आए हुए हैं सिवाय दो तीन को छोड़कर बात बाकी के कहीं हादिस में ये तकसीम बताई गई है। अगर आप किताबें उठा कर देखिए उसूल फ़िक़्ह उसूल शरा चार हैं और अहकाम की तफसील सात है। किसने बनाए कलाम दीन खुदा का लाने वाले रसूल और तकसीम करने वाले कौन हैं वो कहाँ मेहजिया माहूद के आमाल में कहीं नखियात पढ़ने वाले हैं आप पढ़े रहे हैं पढ़िए मेरे छोटे मालूम हैं बहुत कम नहीं है तो आप मुताला करो और मुझे बताओ कहीं मेहजिया माहूद अलैहिस्सलाम ने मुस्तहब फरमाया है किसी पेड़ को मंदूब फरमाया है। चार ही बातें थी या तो फर्ज या करना वाजिब या लाजिम मकरूह हराम इसके सिवा और क्या बात है मुस्तहब मंदूब कोई ऐसी बात पाई जाती है क्यों। सबसे बड़ा इंतजाद ये हुआ था कि लोगों ने दीन को दीन के चार हिस्से किए थे एक कुरान दूसरा हदीस तीसरा इजमा चौथा कयास। आइए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये चार बातें थी। रसूल के ज़माने में रसूल के लिए हिदायत कहाँ से मिलती थी कुरान एक था उसके बाद वो ऊतिया बिस्लहू माहू और अल्लाह ताला उन उस कुरान के माने जो आपको समझाते थे इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो यूँ समझो कि दो बातें थीं दीन की एक कुरान था और उसके बाद हदीस ये दो बुनियादी बातें थीं। इसके बाद और यही इसी पर जोर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खुदा ने जोर दिया मा आताकुम रसूलुहू फखुज़ूहू वमा नहाकुम अन्हू फन्तहू मेरी किताब तो खैर किताब ही है ऐ रसूल तुझे भी उसकी इत्तबा करनी पड़ेगी। और आम लोगों से कहा मेरी किताब तो किताब है पर याद रखो रसूल जो भी दे तुम उसको हासिल कर लो पकड़ लो मजबूती से और रसूल जिससे मना करते हो उससे तुमको भी रुक जाना चाहिए। तो उसूल दीन कितने ठहरे सिर्फ दो और आज आप पूछो उसूल दीन कितने हैं जी चार है इत्तेदा नहीं है ये इत्तेदा था। मैं बहुत करीब आ रहा हूँ अपने मौजू के ये इत्तेदा था इसको दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने महजे माउद को भेजा इसीलिए महजे माउद ने फरमाया मज़हर मा किताबुल्लाह को इसके बारे में हमारे बोल रहा हूँ इजमा भी है वहाँ कयास है वहाँ पर क्यों इजमा और कयास की वजह से दुनिया में इख्तलाफ पैदा हुआ था सारे फिरके बने किसकी वजह से बने ये इजमा और कयास की वजह से बने। फिर महजे माउद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा ये लोग इसे दो चीज़ें नई उसूल के तौर पर बना लिए हैं तुम जाओ और लोगों को बस तक अपने हकीकी मकसद की तरफ लेकर आओ तो ध्यान कर देगा। मैं लोगों से यही कहता हूँ अगर आप दीन इस्लाम की तालीमात को हासिल करना चाहते हैं प्लीज़ रेफर टू द रियल एंड फॉर्मल सोर्सेस ऑफ इस्लाम। क्या हैं रियल एंड फॉर्मल सोर्सेस क्या हैं बोलो कुरान हदीस। अगर आप बाद में प्लीज डू नॉट गो टू द इंटरप्रिटेशनल सोर्सेस। इख्तलाफ कहाँ से पैदा हो रहा है इंटरप्रिटेशनल सोर्सेस की तरफ आते हैं तो यहाँ से क्या हुआ इख्तलाफ पैदा हो जाएगा। एंड देन टू द मदरसा कोर्सेस मदरसा कोर्सेस इख्तलाफ हुआ नहीं हुआ आप दारुल देवबंद को चले जाओ क्या पढ़ाया जाता है ये है इमाम अबू हनीफा का यह मसलक है नहीं इमाम शाफी की गलत है क्या हुआ
आपको जाना कहाँ चाहिए था? रियल एंड फार्मर सोर्सेस, वो क्या सब हुआ? फार्मर सोर्सेस क्या था? कुरान शरीफ और हदीस। नेग्लेक्टिंग दो सोर्सेस यू आर कमिंग टू द इंटरप्रिटेशन सोर्सेस। एंड देन आज का जो है बच्चे तैयार हो रहे हैं मदरसा कोर्सेस, आप कहाँ के पढ़े हुए हैं? मैं पारी वहाँ का हुआ हूँ। तो आप किसी भी मदरसे को जाकर पूछिए तो वहाँ वही तालीम दी जाती है जिसके मस्जिद की नुमाइंदगी कर रही थी। जैसे अमर शाह के पास जाओ, कुछ स्कूल में दाखिल करो तो बच्चा क्या सीख कर आएगा? बरेली से मान देगा। देवबंद को जाओ, देवबंद ही आएगा। और अली हदीस के मतलब को जाओ, मक्का मदीना चले जाओ तो अली हदीस का मतलब सीख कर आएगा। अब जहाँ जहाँ जाएंगे तो जो मदरसा होगा वही तालीम आपको दी जाएगी। डेरी दरिया इस्लाम। तो चूंकि दीन इस्लाम में खराबी पैदा हुई थी और दीन इस्लाम में इर्तदाद से काम लिया गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस इर्तदाद को दूर करने के लिए कहा इजमा व कयास कब? जबकि हकीकी सोर्सेस ना हो तो आपको इजमा की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं मिले तो आपको कयास करना पड़ेगा। वेयर देयर आर रियल सोर्सेस ऑफ इस्लाम तुम्हारे पास है, फिर जरूरत है आपको उनके तरफ जाने की क्या जरूरत है? ये कौन है फुकहा? एक नाजुक बात बयान करना चाहता हूँ, याद रखने की बात है। ये कौन है? दे ट्राइड टू डिस्कवर इस्लाम, इस्लाम को दरियाफ्त करने की कोशिश की। उस तहरी ने क्या किया? कुरान को सामने रखा, हदीसों को मिला, नहीं ये हदीस ठीक नहीं, वो हदीस उनके पास है, वो रावी की हदीस सही होगी। तो दे ट्राइड टू डिस्कवर इस्लाम, क्योंकि इस्लाम को डिस्कवर करने में बहुत सी मुश्किलें पेश आ गई थी। अल्लाह ताला ने कहा क्या डिस्कवर करते हो? डिस्कवर करते करते पता नहीं तुम कहाँ से कहाँ चले गए, गए थे हिंदुस्तान को देखने, अमेरिका गुजारा बैठे हुए हैं, तो ये डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए। वे अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए आपको जवाहर नेहरू किताब करना पड़ेगा, तो उसने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कोई कपड़ा है उसके शो में आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप मजहब इस्लाम को डिस्कवर करना चाहते हैं तो अल्लाह ने कहा मैं बताता हूँ ये डिस्कवरी, ये लोग दरियाफ्त किए तो मेहदी माऊद याफ्त कर रहा है, पा रहा है। दरियाफ्त और याफ्त में जितना फ़र्क है उतना फ़र्क मुस्तहिदीन में और मेहदी माऊद में है, क्योंकि वो दरियाफ्त कर रहे थे, फिर भी मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। और मेहदी माऊद ने क्या किया? याफ्त कर लिया। खबर नहीं है, डिस्कवरी की कोशिश नहीं है, आपने कोशिश भी नहीं की। आपने फरमाया ना मैं किसी तफसीर किताब पढ़कर आपके आपके सामने बयान करता हूँ, मैं हदीस की किताब पढ़कर आपके सामने बयान करता हूँ, मैं वही बातें बोलता हूँ जो अलम तुम बिला आवाज के जल्दी जल्दी आई एम गेनिंग फ्रॉम गॉड। व्हाई आर यू गोइंग टू रिसीव द फेम? नहीं तुम तकलीफ उठा रहे हो, तकलीफ उठा रहे हो। नहीं मैं तो गेन नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे खुद दे दिया है, तो मैं जो हूँ याफ्त में हूँ और आप जो है दरियाफ्त में है। तो हम में गैरों में इतना फर्क है कि अल्लाह ताला ने हमको खुद दे दिया और आप जा रहे हैं। अब ये मसला पूछते हैं लोग क्या है? देखो भाई क्या है, क्या देखो भाई? वो फुकहा की किताब उठा कर देखो। अरे वो तो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे, जब आपके पास याफ्त आ गया है, पूरा आ गया आपके पास, फिर आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने क्या करेंगे, कितना उनकी समझ नहीं होता करेंगे। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। इन्होंने शाफी ने फरमाया वाह फर्ज है, अबू ने फरमाया वाजिब है। मुख्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना इमाम शाफी ने फरमाया फर्ज है, नहीं पढ़े तो नमाज नहीं होती। अबू हनीफा ने फरमाया मना है, पढ़े तो नमाज नहीं होती, पढ़े तो मुख्तदी को नहीं पढ़ना चाहिए, इमाम को पढ़ने दो, बस कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। किस हद तक सूरह फातिहा की हद? हम अबू हनीफा ने इतना पूछिए ठीक है ना, सूरह फातिहा उन्हें पढ़ने छोड़ देंगे। अब उन्हें बोला अल्लाह अकबर रुकू में गया कुछ पढ़ लें, सुभान अल्लाह में नहीं पढ़ता, इमाम है नहीं तो सभी अल्लाह मुझे बना मेरा वैसा बना आ जाओ भी नहीं बोलता, बोल दे तू इमाम बना है तो हो गया, अब तैयार पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं। क्यों पढ़ रहा है मालूम होगा कि वहाँ एक हुक्म है और यहाँ एक हुक्म है। मेरे सामने फरमाया कि सूरह फातिहा मुख्तदी को पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ता तो नमाज़ ही होती उसकी।
कहाँ से फरमाया? रसूलुल्लाह की हदीस में अल्लाह तआला पर इल्ला बे फातिहा किताब, जब तक तुम्हें फातिहा नहीं पढ़ते उस वक्त तक तुम्हारी नमाज नहीं होती। और आज हमारे पास क्या मुफ्ती बोलता है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़ना चाहिए। इमाम तहावी की भी यही राय है और बंदे की भी राय यही है, इसकी क्या गंदे की। आपको कहाँ पहुँचा है मेरे सामने? बना गया था मैं जो बात आपके सामने लाया हूँ, ये वही बात है। मैं किताब की बात करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुझे मिलता है अल्लाह बिला वास्ते मुझे मिल रहा है वो जहाँ मैं वो पेश करता हूँ। और रसूल की हदीस की बात करते हो तो मैं रूह रसूल से मुशाहिदा करता हूँ, रूह रसूल से पूछता हूँ और जो बात रसूलुल्लाह की रूह पूछा कहती है मैं उसको आपके सामने बयान करता हूँ। इसके मुकाबले में कोई भी इमाम आ सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अस्तर पूछो भाई मुफ्ती से पूछेंगे, कहता है आजकल जो मुफ्ती है वो बस खोल का नाम मुफ्ती है, इसके इसका बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह ताला ने आपको ऊंचा मकाम दिया है, समझना चाहिए। दस पाँच हो गए हैं आपको खबर नहीं है बात बातें इतनी अहम आपके आप समझी होते कुरान में तब्दीली हो सकती है, कुरान के अहकाम में तब्दीली हो सकती है किसी के भी जरिए से। ये बात तो है इवन तो रसूलुल्लाह सल्लम भी चाहें तब भी कुरान के हुक्म में तब्दीली हो सकती है। सही है, ईमान है नमाज अब देखो इतना कैसा हो रहा है। और मैं जो बात कर रहा हूँ पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे सबूत के साथ, पूरी दलीलों को आपके सामने रखते हुए तो आप किसी भी वक्त आकर मुझसे पूछ सकते हैं, यदि मांगना चाहें तो पूछ सकते हैं। ज़कात के ताल्लुक से किसे ज़कात देनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में आठ मत बयान किए हैं। कितने? आठ मत के ज़कात को इन लोगों में तकसीम करना चाहिए। अगर नहीं तो आप पढ़ लीजिए आयत के शुरू का, बोल देता हूँ इन्नमा सदक़ातु लिल्फ़ुक़रा वल मसाकीन कुना कुना वल ग़ारिबीन आया हुआ है वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम और लोगों की तालीफ क़ल्ब के लिए भी दिया जा सकता है। ये आठ इसमें हैं जिनको ज़कात का देना कुरान में मज़कूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत के तहत बाज़ लोगों को इस्लाम की तरफ खींचने के लिए, उनको खामोश रखने के लिए, फितना और फसाद इस्लाम में ना पैदा करें उससे बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल मुअल्लिफ़ति क़ुलूबुहुम फरमाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तबके को जिनकी तरफ से रसूलुल्लाह को अंदेशा था कि ये मुसलमानों को बदल लाएंगे, दीन में फसाद पैदा करेंगे, अल्लाह के हुक्म के तहत आपने उन आठ किस्मों में से ये किस्म को भी जो अल्लाह ने बयान किया दिया करते थे। अभी आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी अखबार आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जनरल वी के सिंह ने क्या कहा, मैं अपने पढ़ने से चंद लोगों को देता था, काय को देता था उनके दिलों को जीतने के लिए, उनसे ट्रबल पैदा न हो उसके लिए मैं दिया करता था, ये तारीफ हल भाई है। तो कुरान ने फरमाया अल मौल्ले को तो उनको भी देना चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। बहुत गहरी बात है, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। अब जो तबका था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकात के मद में से उनको दिया करते थे, रसूलुल्लाह की विसाल के बाद चूँकि गवर्नमेंट बदल गई, नया गवर्नर आ गया, खलीफा आ गए, तो वो लोग आए अबू सिद्दीक के पास, आकर बोले रसूलुल्लाह के ज़माने से हमको इतना मिलता था, तो आप क्योंकि आप खलीफा बन गए हैं, अब खजाने वाला हमको नहीं देगा, वो कहेगा कि रसूलुल्लाह देते थे, आपका विसाल हो गया, तो आप मुझे महर मोहर के साथ लेटर दीजिए ताकि वो लेटर देकर हम वहाँ से रकम हासिल कर सकें। सही बात, पूरी बात वो लोग आए, रसूलों से दिख देता था, उन्होंने लेटर लिख कर दे दिया, मोहर भी सब कर दी, अथॉरिटी लेटर दे दिया। लेके जा रहे थे, रास्ते में उमर फारूक रज़ियल्लाहु मिले, अलैहि सलाम की बात पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो कहा वो सिद्दीक की कहा कि वो हमको जो मदद मिलती थी उसमें वो हासिल करने के लिए गए थे, क्योंकि रसूल का विसाल हो चुका है इसलिए हम लेने के लिए गए थे। तो उस उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा का वो खत बताओ, तो उन्होंने वो खत निकाल कर दिया, तो वो उमर फारूक ने खत को पढ़ा और उसको फाड़ दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। अभी आपने देखना राहुल गांधी ने क्या किया, थ्रो यानी लोग फिर से गए वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, क्या हुआ ऐसा किया, हम आपसे पूछते हैं आप खलीफे हैं या उमर खलीफे हैं, तो अब उसे दिल का जवाब दिया है वो आइंदा खलीफा होने वाले हैं, अब उमर से दिल ने पूछा बुरा खड़ा उमर फारूक को, उमर फारूक ने कहा ये उस वक्त देते थे जबकि इस्लाम कमज़ोर था, अब इस्लाम मजबूत हो चुका है, अब सिर्फ दो ही सूरतें हैं, हिम्मत जज़िरिया अब इसाय, या तो गुलाम बनकर रहो या तलवार से उनका खात्मा कर दिया जाएगा, अब हमको उनकी तालीफ गर्व के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं। बोला सवाल यह है तरमीम किस में हो रही है जी, उसके बाद से मौलूब फुकहा ने कहा लिखा आप फकीर को कहा कि सारी किताबें कहा कि आप पढ़िए, सब में यह वाकया मौजूद है और सब ने कहा है कि 60 थे 7 हो गए, उमर फारूक ने एक कसम को हटा दिया। व्हाट इज इट, व्हाट डू मीन बाय इट, आप समझ रहे हैं, ऐसी कितनी मिसालें मैं आपके सामने पेश करूं, दीन का इस्लाम का गहरी मुताबा गहरा मुताबा करिए तो आपको पता चलेगा कि कुरान में क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ से कहाँ तक, ये तो उसके दो बात है, उसके बाद जब बादशाहत आ गई इस्लाम में उसके बाद क्या नहीं हुआ होगा आप अंदाज़ लगा सकते हैं, इसको क्या आप दीन से इंतज़ार के माने में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं सब बर्दाश्त करूँगा, दो चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक ये कि कुरान का जवाब मिल जाए, कुरान का जवाब मिल जाए, कुरान को जवाब तैयार कर दे, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता, और दूसरा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे तब्दीली हो जाए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, दोनों की हिफाजत बैक वक्त करने के लिए अल्लाह ताला ने मेरे मौत भेजा और आपने फरमाया मज़हब मां किताबुल्लाह और इत्तिबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, महदी वो हस्ती है जिसमें कुरान भी महफूज हो गया और जिसमें रसूलुल्लाह की इत्तिबा भी महफूज हो गई। बोला कि आपको आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते भी हैं तो उसके हाई से नहीं पढ़ते, इस वजह से आपको क्या महदी क्या महदी का क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वो रसूल अल्लाह तब भी बोलते हैं वो महदी नहीं है, मुर्शिद को बुलाता कान में आजान बोलिए मत करिए,
पहले तो नहीं, पहले भी और एक मौके पे बुलाते थे, मैं नहीं बोलता वो राम नाम छोड़, अब थोड़ा कम हो गया है, पर वो कभी बुलाते थे, कम हो गया है वो बता से उसी बार में देखा है, उसी बार मर गए तो अल्लाह ये तो हम बताने के लिए तैयार है, पर वो गिरा करते हैं, कोई पूछता ही तो हम किसको बताए, तो मैं ऐसा जिमाना हूँ बगैर पूछे बताना रहता हूँ। आप रख रखिए, आप क्या जरूरी काम जरूर कीजिए, कम से कम घंटा आधा घंटा तो बताइए, ऐसा भी देखिए सुराग जो है आपको मजा लगेगा कि मेरे लिए क्या है, तो गर्जा हम महंगे बहुत रहे सर, तुमको किसने दुनिया में भेजा, हमारे लिए नहीं भेजा, हमारे लिए नहीं भेजा, अल्लाह को अपना काम करना था, अपने किताब की हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए अल्लाह ने महंगे मौत को भेजा है, और यह हम हमारा खुशकिस्मत ही है कि हम महंगे मौत के खदमों में गए, महंगे मौत के दो कदम हैं, महंगे मौत के दो हाथ हैं, एक हाथ में किताब ला है और एक हाथ में इतबाए मोहर सुनना है, आप दो कदमों पर आप गिर जाइए तो आपको दोनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो आप तस्वीर देते हैं तो क्या बोलते हैं अलफरान वाल महदी, आप अमनत और दखना कहने वाले लोग हैं, इसलिए आपको कुरान पढ़ो तो उसके जो मानी में जो समझे बताए हैं वो या सही जो मानी खुशी से आप मालूम हो सकते हैं, उनके आप तहकीक कीजिए और रसूलुल्लाह के हदीसों में से जो मेरे मौत फरमाया है जो बुनियाद लगाते हैं उनको आप रेफर करते जाइए, ये मदरसा कोर्सेस हम जितने भी पढ़े हुए लोग हैं उसमें से चंद लोगों को हम देख रहे हैं कि मदरसा कोर्स की वजह से उन्होंने अपने इतिहाद को बदल दिया है। उसके बाद वो जो इंटरप्रिटेशन में जब आए हुए हैं तो इंटरप्रिटेशन में तो और तबाह कर दिया है, तो इन दोनों से वो जो रियल सोर्सेस ऑफ इस्लाम सिर्फ दो थी, आप उनको रेफर करते जाओ तो इंशाल्लाह हमको अगर ये क्या है सही माने में हम मालूम हो जाएगा वाह दावाना। ज़माने मुबारक से एक मुरस्सर तकरीर समाज फरमा रहे थे, बहुत शायर समझ में डूबता तौहीद आ तो सकता था, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, लिहाजा शिर्क किस तरह से मिटता है और किस तरह से गिरफ्तार हो रहा है इस पर बहुत ही मुरस्सर तकरीर थी, अल्लाह हम तमाम के सीनों में लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसको उतार रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे कि 15 साल पुराने आबिद फुनवी साहब के बुला को हम दोबारा उस स्पेस में सुन रहे हैं जैसा कि IIT में हमने सुना था। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको जो है सुकून खल आपके अंदर वो तवानाई उसी फॉर्म में सेहत के साथ अता करे, ताकि हमें मजीद और आपके तकारीर को सुनने का और उस पर अमल पैदा होने का मौका मिले, और प्लीज अब आखिरी आइटम बाकी रह गया है वो शुक्रिया का आइटम, मैं भाई सैयद मोहम्मद सुहेल सलाम अलैहि से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शुक्रिया के आइटम को अपने अंदाज में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने इकराम आप सदर जलसा मुफस्सिर कुरान हज़रत पीर मुर्शिद आबिद कुन्नी साहब की तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। आज के इस जलसे का इनेकाद सीरत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का इरादा जमीयत महदविया के कारकुनों ने कुछ एक महीना पहले किया था, तो आपके पास हज़रत पीर मुर्शिद आबिद कुन्नी साहब के पास जाकर जब
आपके पास हमारे प्रोग्राम की दावत दी तो आपने बिल्कुल फौरन कबूल कर लिए। हमेशा की तरह जमीयत का ताउन करते रहे हैं और इस बार भी आपने ताउन किया। तो इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको तौफीक इनायत फरमाई कि इस प्रोग्राम मुनाकिद करें और अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाबी अता की है। बतौफ़ैल ख़ातिमैन आपने तकरीर समाप्त फरमाई हज़रत आबिद मुनवर साहब की, और जैसे ब्रदरम प्रोफेसर सैयद सैफुल्ला खालिद ने फरमाया कि 1995 की जो तकरीर थी मुर्शद की वो याद आ गई, उसी पुरजोर और पुरनूर तकरीर आंखों में समाने लगी और वही लुत्फ आ गया इस तकरीर सुनने में। मैं बिला झिझक ये कह सकता हूँ कि आप जैसे तकरीर करते आ रहे हैं सदियों से, महदवियों के कई जनरेशन खासकर जो नौजवान हैं उनको महदवियत मालूम हो गई और यही सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है मुर्शिद के तकरीर से। आज का जनरेशन नहीं, इससे पहले जो मेरी उम्र के लोग हैं और मेरे से जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस बात को कबूल करेंगे कि आपके तकरीर से हमको महदवियत की पहचान हुई है, हमको हमारा दीन और ईमान हासिल हुआ है। ये अल्लाह की इनायत है। इस दौर में हमारी कौम पर और अल्लाह से शुक्र करते हुए मैं फिर से दुआ करता हूँ कि मुर्शद को अल्लाह ताला सेहत याब रखते हुए आपकी उम्र दराज करें ताकि और लोग जो है आपके तकरीर से फ़ायदा हासिल करें। इसके बाद मैं दूसरे मशाकीन इकराम जो इजमा के मशाकीन हैं जो यहाँ पर हमारी दावत कबूल करते हुए जो के इस मजलिस में शामिल हुए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले हज़रत पीर मुर्शद सैयद जाफर साहब का, उसके बाद हज़रत पीर मुर्शद सैयद अब्दुल हई साहब का, उसके बाद हज़रत पीर मुर्शद सैयद अलहदाद महमूदी साहब का, इसके बाद हज़रत पीर मुर्शद शाहिदीन साहब का, इसके बाद हज़रत पीर मुर्शद सैयद मुस्तफ़ा साहब का और हज़रत पीर मुर्शद सैयद सिफ़तुल्लाह साहब का और हज़रत सैयद अशरफ़ रूही साहब का और हज़रत तासीम आगा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत जावेद मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हज़रत सैयद नजमुद्दीन हज़रत पीर मुर्शद सैयद नजमुद्दीन साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साबिक सेक्रेटरी हज़रत फ़कीर सैयद मीरान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी ज़यीफ़ी के बावजूद आपने इस मजलिस में शिरकत की। इसके बाद आप सब सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े सब्र से इस तकरीर को सुन रहे थे, बीच में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के बावजूद तो थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन आप सब्र तहम्मुल से जो है इत्मीनान से बैठे रहे थे, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो इज़्ज़तनाक ख़वातीन हैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जलसे में आने के लिए और बच्चों का, और आखिर में हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बिहाइंड द सीन्स जो जद्दोजहद करते आ रहे हैं, जो काम करते आ रहे हैं, आप सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ब्रदर इनायतुल्लाह खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ऑनलाइन टेलीकास्ट का इंतज़ाम किया। ऑनलाइन लोगों को ना भूलते हुए आप सब लोग जो शरीक हुए हैं, उम्मीद है कि आज का टेलीकास्ट अच्छी तरह से हुआ है ऑडियो और वीडियो का। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने इसमें शिरकत की, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि हमारी जो बाजू में जो बिल्डिंग है उसकी ख़रीदारी के लिए जिन जिन लोगों ने ताउन किया है उन सब लोगों का, बहुत से लोगों ने ताउन किया है, फहरिस्त बहुत लंबी है,
लेकिन हर एक शख्स का इस प्लेटफॉर्म से प्रदर नगर में जूनियर की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और साथ में आपको ये भी आगाह करना चाहता हूं कि इस वक्त हालांकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो ओनर्स जो हैं वो रजिस्टर करके दे चुके हैं, लेकिन उनको और 5 लाख की रकम देना बाकी है और इसके साथ ही उसके अलावा 5 लाख कर्ज हंसना भी हमारे साथ बाकी है। आपकी इतला में रहें और कोई मजीद इसमें तावन करना चाहते हैं तो आप उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। शुक्रिया। चाय का इंतज़ाम है, थोड़ा स्नैक्स का इंतज़ाम आप कर लीजिए, उसके बाद जो है ईशा की नमाज होगी, ईशा की नमाज के बाद जो अल्लाह ने दिया है अब खाना खा सकते हैं।